हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी और 1992 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय रीति दिवस के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। विकलांगों के प्रति सामाजिक कलंक को मिटाने और उनके जीवन के तौर तरीकों को और बेहतर बनाने के लिए उनके वास्तविक जीवन में बहुत सारी सहायता को लागू करने तथा विकलांग लोगों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इसे सालाना मनाने के लिए इस दिवस को खास महत्व दिया जाता है। 1992 से इसे पूरी दुनिया में ढेर सारी सफलता के साथ इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसको लेकर आज निशक्तजन कल्याण विभाग एवं पुनर्वास की उड़ान में कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। कार्यक्रम के अतिथि डॉक्टर AK उपाध्याय मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में छोटे छोटे दिव्यांग बच्चों ने नृत्य की प्रस्तुतियाँ दी एवं कई प्रकार की फैंसी ड्रेस का आयोजन भी किया गया। बच्चों को पुरस्कार वितरित किए गए। आज विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर बच्चों के परिजन अधिकारी कर्मचारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर के उपलक्ष्य में राज्य शासन के द्वारा COVID-19 को देखते हुए जो निर्देश जारी किए गए थे उसी के तारतम्य में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में आने वाले दिव्यांग बच्चों के साथ में आज सामर्थ्य प्रदर्शन के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें बच्चों के द्वारा फैंसी ड्रेस, दौड़, गायन, नृत्य, विभिन्न प्रकार की रंगोली इत्यादि प्रतियोगिताओं में बच्चों ने भाग लिया और उनके जो अभिभावक थे उनके द्वारा ही उनको प्रोत्साहित किया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।